केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में इन राज्यों को कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य सचिव आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और चिकित्सा अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 3 जनवरी से किशोरों के टीकाकरण और 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण पर बात होगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों और इन राज्यों में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे पहली खुराक के लिए सभी पात्र आबादी के कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाएं और ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को दूसरी खुराक दी जानी है उन्हें दूसरी खुराक दी जाए। इस उद्देश्य के लिए जिलेवार साप्ताहिक टीकाकरण कार्यान्वयन योजना तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य के अधिकारियों को दैनिक आधार पर कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी गई। मतदान वाले राज्यों को ये भी सलाह दी गई कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण में तेजी से वृद्धि करें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों को समय पर शुरू करने के लिए संक्रमित मामलों की तुरंत पहचान की जाए और ये भी सुनिश्चित करें कि कम परीक्षण के कारण संख्या में अचानक वृद्धि ना हो। राज्य के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अनुशंसित कोविड उपयुक्त व्यवहार की सख्ती से पालन किया जाए और उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।